आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक मुकाबला आज 18 मई को खेला जाना है। यह मुकाबला चेन्नई और आरसीबी बीच होगा और जो टीम यह मुकाबला जीतेगी वही टीम प्लेऑफ में जाएगी। लेकिन आज का ये वीडियो आईपीएल 2025 को लेकर होने वाला है। जैसा कि सभी को पता है कि सीएसके की टीम से एमएस धोनी का ये लास्ट आईपीएल होने वाला है। तो अब एमएस धोनी के जाने के बाद में ये खबरें सामने निकल के आ रही है कि आरसीबी के जो दिनेश कार्तिक है वो अगले साल चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक को लेकर सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तब वायरल हुई जब सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उसने बताया कि चेन्नई की ओर से दिनेश कार्तिक 2025 का आईपीएल खेलने वाले हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने यह बात एक मजाक के अंदाज में शेयर की क्योंकि इस फोटो में दिनेश कार्तिक सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ ने यह पोस्ट करने के साथ साथ पोस्ट के ऊपर लिखा भी है दिनेश कार्तिक 2025 में आईपीएल के लिए खेलने वाले हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने यह बात एक मजाक बोली है। और वैसे अगर देखा जाए तो आज का मैच दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी के बीच में होने वाला है। दोनों में से जो भी आज का मैच हारेगा वो इस दोनों खिलाड़ियों के लिए अंतिम मुकाबला होगा। दिनेश कार्तिक भी एमएस धोनी के एज जितने ही है तो हो सकता है कि आने वाले 2025 के आईपीएल में दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए नहीं खेल पाए। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।